सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित हुई चेतना का, वह अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज 48वें पृष्ठ की 31वीं पंक्ति पर 15वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सकें, जान सके, सीख सके, समझ सके, तदनुरूप साधना के द्रुपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, एश्यूड ऑफ द एपोक्लैप्स टू बी, इट रेकॉन्स नॉट द मोमेंट्स एंड द आवर्स, great patient calm it sees the centuries pass, awaiting the slow miracle of our change, awaiting the slow miracle of our change in the sure deliberate process of world force and the long march of all revealing time। पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। भागवत संकल्प सिद्धि हेतु अचलायमान परमात्मा का एक भाग सचलायमान बनकर एक से बहु बन जाने की प्रक्रिया में अवतरित हुई शाश्वत की अंश आत्मा, जिसका अभिव्यक्ति में प्रतिनिधित्व करती यह अंतरात्मा, यही असली हमारा मैं है, और यह पराशाश्वतता त्याग कर अपरा प्रदेश में अवतरित होकर अभिव्यक्त सत्ता में निवसित रहकर यह गुह्य अतिथि जो हमसे सदैव जीवन पर्यंत अदृष्ट रहकर सतत लक्ष्य सिद्धि हेतु भावी भविष्य में होने वाली अभिव्यक्ति में अपने भीतर धरे सुनिश्चित लक्ष्य प्राप्ति के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ सतत उन्नत नवीन अभिव्यक्त स्वरूप की ओर बढ़ता जाता है। इस सतत चलने वाली अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया में सृष्टि सृजनारंभ से लेकर अब तक के वर्तमान विकसित स्वरूप तक की अथक सतत चलने वाली क्रिया प्रक्रिया हेतु न तो वह कभी घड़ियों अथवा कभी घंटों को गिनता है, और न ही कभी जगत में व्याप्त सृष्टि प्रलय मिथक के बावजूद पुनः पीछे ही लौटता है। एक बार यह शाश्वत अंश परालोक प्रदेश की सीमा लांघकर संकल्प धारण कर अपराजगत की देश काल सीमाबद्धता में स्व संकल्प से भागवत लक्ष्य संसिद्धि हेतु प्रवेश पा जाता, और तब महाप्रकृति की अभिव्यक्तिकरण हेतु सतत विकासोन्मुख
क्रियावलियों की विश्व शक्ति के निश्चित और सोदेशी सतत चलते जाते विकास के क्रम में और देश काल से बद्ध जन्म मृत्यु पद से गुजरते हुए भी सर्वोन्मेषी सब प्रकार से अनंत संभावनाओं से विकास अविरत चले जा रहे लंबे अमापी एक यात्रा में वर्तमान विकसित स्वरूप में आने वाले अगले उन्नत अभिनव परिवर्तन के धीमे चमत्कार की अत्यंत ही धैर्यपूर्वक बाट जोहता प्रतीक्षा करता रहता है। यह अभिव्यक्ति में आया भागवत अंश शाश्वती योग्यता के कारण अत्यंत धैर्यवान महान और शांत चित्त रहकर सृष्टि सृजन आरंभ वेला से आज तक की अगिनत अवधि अथवा गुजर रही सदियों को साक्षी दृष्टा बना देखता रहता है, कभी भी अशांत अधीर नहीं होता। आज हम इस सारगर्भित विषय को यही विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के ध्रुव पथ पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहे। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।